हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए किंग कोबरा स्नैक की वीडियो। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, हमें फ़ोन आया था, इस घर में किंग कोबरा सांप को देखा गया है, चलते हैं और इसे रेस्क्यू करते हैं। आप देखिए, खतरा कभी भी हो सकता है, वीडियो में नजरें जमा कर रखी है। दोस्तों, ये काफ़ी खतरनाक लग रहा है और ये मुझे काफ़ी गुस्से में भी लग रहा है। तो ज़्यादा खतरा दोस्तों इसी समय बना रहता है। आप देख सकते हैं ये किस तरह से अटैक करने के फुल मूड में है, ये कभी भी अटैक कर सकता है। और दोस्तों, ये काफ़ी फुर्तीला भी होता है, इसका एक वाइट हाथी को भी मार के गिरा सकता है। ये काफ़ी जहरीला है, इसे भारत का सबसे जहरीला सांप भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये किस तरीके से अटैक करने के मूड में है, ये काफ़ी ख़तरनाक है। दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपसे बताता हूँ कि हमें आपको कभी भी सांप काटे तो हमें सीधा अस्पताल की ओर ही जाना चाहिए, ना कि झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ना चाहिए। कुछ लोग होते हैं गांव में, जैसे होता है कि दवा पिलाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो आपको सीधा अस्पताल की ओर ही जाना चाहिए। इसके काटने के 40 मिनट बाद लगभग आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, तो सावधान रहें और सीधा अस्पताल ही जाएं। दोस्तों, ये देख सकते हैं किस तरीके से देख रहा है, इसे लग रहा है कि खतरा है, इसे ये नहीं पता हम इसे आए हैं रेस्क्यू करने और जंगल में ले जाकर रिलीज कर देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये काफ़ी ख़तरनाक भी है। तो फ्रेंड, अगर आप हमारी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम इसे डंडे से छेड़ रहे हैं ताकि ये कुछ मूवमेंट करे। हम देखना चाहते हैं कहीं दबा हुआ तो नहीं है, नहीं तो हम इसे पकड़ने जाएं और ये अटैक कर दे। ये कुछ मूवमेंट करता है तो फिर हम इसे रेस्क्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं। आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी ख़तरनाक है। दोस्तों, इसका एक वाइट इंसान को मार गिरा सकता है। तो दोस्तों, हम इसे पकड़ लिए हैं और हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर पुनः सफलतापूर्वक हो गया है। हम इसे बाहर ले चलते हैं, लेकिन एक मिनट, ये बीच से कुछ मोटा लग रहा है। तो दोस्तों, ये आपके और हमारे घरों में घुस जाते हैं चूहा, अक्सर चूहों को खाने के लिए। आप देख सकते हैं ये कुछ खाया हुआ है, बीच से मोटा लग रहा है, इसीलिए ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। आप देख सकते हैं, हम दिखाते हैं आपको, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, ये काफ़ी तेज़ी से चल भी नहीं पा रहा है, नहीं तो ये बहुत फुर्तीले होते हैं, पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये किस तरह तरीके से आराम आराम चल रहा है, पूरा स्लो है। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके लिए हम हमेशा आते रहते हैं। दोस्तों, ये पूरा अटैक करने के मूड में है, थोड़ी सी सावधानी हटी तो समझ लीजिए दुर्घटना घट जाएगी, ये कभी भी अटैक कर सकता है। ये देखिए आप, ये मुझे कुछ बीस से मोटा लग रहा है, शायद ये कुछ खाया हुआ है, शायद चूहे को, इनका मनपसंद भोजन चूहा ही होता है, ये इसीलिए आपके और हमारे घरों के बीच आ जाते हैं।
दोस्तों इसे गांव में कुछ लोग नाग भी कहते हैं और शायद फिटार भी कहा जाता है गांव में। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह कैसे अटैक कर रहा है। तो दोस्तों चलिए हम इसे डिब्बे में पैक करते हैं और जंगल में ले चलकर रिलीज करते हैं। आप देखिए दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में। धन्यवाद।